After a long, long time, she reached an important conclusion. And after thinking over and over, again and again, she was continuously thinking. And then at last, she reached to a conclusion, to a result. She was never going to stand by and say nothing again. She's not going to stand by. She will not stand next to. Stand by, standing next to. किसी के साथ नहीं खड़ी होगी. She will not stand next to and say nothing again. She will not speak any ill words to anybody. If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names. If she ever heard, जब वो सुनेगी कि कोई anybody, someone is picking up, picking up means humiliating someone. यहाँ पे humiliating का मतलब है किसी के पीछे पड़े हैं क्योंकि उसका फनी नाम है, बिकॉज उसका नाम फनी है तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो वो वहां पे नहीं रहेगी. दे हैड स्ट्रेंज नेम, शी स्पीक अप, इवन इफ इट मेंट लूजिंग पेगी, भले ही इससे उसकी पेगी की दोस्ती टूट जाए, पेगीज फ्रेंडशिप. शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांदा, नाउ शी इज हैविंग नो ऑप्शन कि वो वांदा के साथ अपनी जो भी लड़ाई झगड़ा था, जो भी परेशानी थी, उसको कवर अप कर पाती. बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबॉडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन. उसने ये ओथ लिया या अपने में सोच लिया कि नाउ शी इज नॉट गोइंग टू मेक फन ऑफ एनीबॉडी, और किसी को उस तरह अनहैप्पी नहीं करेगी. आज के क्वेश्चन जो आप लोगों को करने हैं वो है, नंबर वन, व्हाट एक्सक्यूजेस डज पेगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर, अपनी बिहेवियर के लिए उसने क्या एक्सक्यूज सोचा एंड व्हाई. व्हाट आर मैडीज थॉट एज दे गो टू बोगन्स हाइट, मैडी क्या सोच रही थी जब बोगन्स हाइट जा रही थी. व्हाई डज वांदाज हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वांदा ब्लू ड्रेसेस, ऐसा क्या देखा घर पे कि मैडी को वांदा की ब्लू ड्रेस याद आ गई. व्हाट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट, बार बार वो क्या सोच रही थी. व्हाट इम्पोर्टेंट डिसीजन डज शी कम टू, और उन्होंने क्या डिसीजन लिया. ये क्वेश्चन आज आप फेयर कॉपी में करेंगे. यू विल डू ऑल दिस इन फेयर कॉपी.